हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम से, क्योंकि सुबह से थोड़ा बिजी थे घर के कामों में। एक्चुअली काफी सारे काम थे घर पे, और तो इसलिए अभी मैं वीडियो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज है मेरी मॉम का बर्थडे, तो आज हम मॉम की जो फेवरेट चीजें हैं जो मॉम को खाती थी, मेरी मम्मी जो खाती थी, तो वो मैं चीजें परचेज करके वो मैं दान कर दूंगा अभी एक जगह पे जाके, एक आश्रम है यहाँ पे कोड़ी आश्रम, तो वहाँ पे दे देंगे। तो अभी ले लेते हैं वो जो जो मॉम की फेवरेट चीजें हैं, और उसके बाद मुझे एक्चुअली स्मोकी का खाना खत्म हो रखा है, तो स्मोकी का खाना लेने भी जाना है, और चैम का भी फूड खत्म हो रखा है, तो चैम का फूड भी ले लेंगे। तो ये सब काम निपटाने के लिए मैं निकला हूँ अभी घर से, तो अभी चलते हैं। जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे आपको हम पूरा दिन अपना दिखाते रहेंगे। एक्चुअली दिन क्या, आधा दिन तो खत्म ही हो गया, 4 बज चुके हैं शाम के। चलिए चलते हैं अभी, पहले सीधा सबसे पहले डलवाते हैं पेट्रोल गाड़ी में। और ये देखिए दोस्तों, धूप और बारिश साथ साथ, क्या बढ़िया मौसम हो रहा है। लोमड़ी की शादी हो रही होगी आज की। चलिए अब चलते हैं, पेट्रोल डलवा लिया है, अब चलते हैं आश्रम की तरफ। सेंसा रोड पे है आश्रम, सामान पहले, अरे बारिश आई रुक गई। तो दोस्तों राशन का सामान मैंने ले लिया है, मेरी मम्मी की फेवरेट दाल थी ब्लैक वाली, जो उड़द की दाल होती है और राजमा दाल मिक्स करके जो बनती है, उसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं माँ मोटी की दाल, तो वो थी, वो मैंने ले ली है। और बाकी राशन का सामान ले लिया है, और अभी मैं ले रहा हूँ मेरी मम्मी के फेवरेट आम, तो मैंगो मेरी मम को बहुत पसंद है, तो वो मैंगो भी ले लेते हैं और फिर चलते हैं सीधा आश्रम हम। तो ये है दोस्तों वो आश्रम जहाँ पे मैं हमेशा आता हूँ, कुछ भी दान वगैरह करना होता है अगर, तो यहीं पे आता हूँ मैं। ये घर के पास भी एक्चुअली, और यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स भी आती है मुझे, और काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, और काफ़ी मतलब अच्छे लोग हैं, और बहुत काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे घर बने हुए हैं, और काफ़ी ग्रीनरी आप देखेंगे अगर, तो ये देखिए मतलब एनवायरमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इधर सामान रख दूँगा, फिर बाबा जी आएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये मम्मी का बर्थडे भी एक तरीके से हमने सेलिब्रेट कर लिया, और अब सब ये मत सोचना कि मैंने वीडियो बनाने के लिए कुछ दान वगैरह करा है, एक्चुअली हमारा डेली व्लॉगिंग है, तो ये एक हमारा डेली आज का शेड्यूल था, तो इसलिए मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मतलब मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हाँ मैं वीडियो बनाने के लिए दान कर रहा हूँ, मैं आता रहता हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे टिप्पणियाँ देते हैं, बट खैर चलिए, लोगों का तो काम है बोलना। तो अभी चलते हैं, पहले स्मोकी का खाना ले लेते हैं, फिर चैम का भी ले लेते हैं, और उसके बाद एक राउंड स्टोर पे भी जाएंगे हम। चलो फिर, धूप निकल गई, अभी बारिश हो रही थी, अब धूप आ गई फिर से। तो दोस्तों स्मोकी का फूड भी ले चुका हूं मैं, और अब मैं आ चुका हूं राजपुर रोड पे, क्योंकि मैं चैम का फूड लेता हूं अपोलो क्लिनिक से। यहां पे मेरी मेंबरशिप है एक्चुअली, अपोलो क्लिनिक कह रहा हूं, अपोलो फार्मेसी से, तो वो मेरे पॉइंट्स ऐड ऑन ऑलरेडी होते रहते हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ता है। तो अभी चलिए राजपुर रोड का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए राजपुर रोड का नज़ारा, वाह जी वाह, वेरी नाइस, साइकिलिंग कर रहे हैं लोग। तो दोस्तों शाम का भी फूड ले लिया है मैंने, और स्टोर का भी काम जो था हिसाब किताब मैंने देख लिया है, और अब मैं चल रहा हूँ घर। और घर पे एक्चुअली हमने वीडियोस बनानी है, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बनाई हमने, जो हमारी वो शॉर्ट्स रहती है शॉर्ट्स के लिए। तो चलिए घर चलते हैं और कुछ अच्छा सा क्रिएट करते हैं आज वीडियो में, बहुत दिन हो गए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। और अभी क्या कहते हैं, शाम का समय है, आज लेट ब्लॉग शुरू करा है क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था, टाइम बिल्कुल टाइम नहीं मिला बनाने का निर्वैर के साथ। और खाने वाना, ये पीछे जो कपड़े दिख रहे हैं ये सारे धो के मैंने तय कर दिए हैं। स्मोकी भी है, वो देखो स्मोकी इधर। तो मैं नहा धो के बाहर आ चुकी हूँ, और अभी हम बना रहे हैं मैगी, क्योंकि बारिश हो रही है, बहुत अच्छी तेज़ बारिश हो रही है, तो मन कर रहा है आयुष का कि मैगी खाएंगे, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, और मैं लेमन टी पीऊंगी, लेमन टी और मैगी खबर आते हैं। मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को, तुलसी देखो कितनी अच्छी हो रही है हमारी,
इसमें भी नया पेड़ आ रहा है, सूख गया था ये, देखो पूरा आ गया। ये भी तुलसी है। आजकल ये ऐसी क्रैंकी हो रहा है कि बस मुझे बाहर लेके चलो, बाहर लेके चलो। देखो मेरे को पकड़ लिया क्योंकि मैं खड़ी हुई हूँ ना। आजा मेरी छोनी, चल बता कहाँ जाना। बाल पकड़ ले, अपने अपने खुद के सहारे के लिए बाल पकड़ लेता है दूसरों के। पता क्या कह रहा, बाहर देखो, बाहर चलते हैं। ये देखो चेहरे पे जो रौनक आई है बाहर आती। ये देखिए मम्मा बेबी। लो पकड़ो इसे। तो मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि अब मेरे खाने का भी टाइम होने वाला है। और आज सब्जी तो पड़ी है फ्रिज में, लेकिन मेरा ना कुछ मन कर रहा था वैसी चीज बनाने का। तुम कहाँ? मन कर रहा था तुम्हारा। तुम मुझे कहाँ छोड़ के आ गए? तो आज हम बना रहे हैं। यार बहुत मुश्किल स्टेप है वो मेरा। रील बना रहा हूँ तुम इसमें। तो चलिए तो चलता रहता है। और अभी मैं बना रही, हाँ मैं खाती तो रोज की सब्जी खा खा के बोर हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि क्या बनाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही की छीट, दही तड़क के भी बोलते हैं काफी लोग। तो ये बहुत टेस्टी लगती है मेरे को, कार्तिक को भी अच्छी लगती है, आयुष को नॉर्मल एवरेज वाली अच्छी लगती है। मैं वो गया आश्रम में। अच्छा, आप सबको भी जितने भी आपके पितर होते हैं या आपका खुद का भी बर्थडे होता है या जैसा भी है तो ये दान वगैरह करना चाहिए। एक तो पितृदोष भी खत्म होता है इससे और दूसरी चीज खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, मजा आता है, पॉजिटिविटी आती है। और कार्तिका कुछ बना रही है आज, बढ़िया सा छिट बना रही है वो, लेकिन मेरा खाने का मन हो रहा है मैगी क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, तो हम खाएंगे मैगी। बारिश दिखा दी तुमने? सुन तेरा तुम दो बना दो ना, थोड़ा सा तुम भी खा लेना। हाँ मलाई डाल देना पर जरूर। पानी किस चीज़ के लिए? चाय के लिए? हाँ वही चाय बोलते हैं उसे भी। लेमन टी को क्या बोलेंगे, नींबू चाय? चलो चाय बनाते हैं। इसको हम ले आए हैं बाहर जिससे हम काम भी कर सके, वीडियो भी बन जाए हमारी और इसको भी देखते रहें। इसके नी गार्ड मंगाए हैं, इसका हेलमेट मंगाया है। तो यहाँ घर गर्म हो गया है, पानी मैगी का, यहाँ हो गया तेल गर्म दही तड़कने का और आटा भी आ गया है, चाय भी रख दी है। मल्टी टास्क हो रहे हैं इस समय। तो आयुष की बनने जा रही है बच्चों वाली मैगी क्योंकि इसमें लहसुन अदरक प्याज टमाटर कुछ नहीं डलता, इसमें सिर्फ डलता है मैगी मसाला एंड थोड़ा सा नमक हल्का सा वो भी। तो इतनी तो बन गई है, चलिए बाकी का काम करते हैं। इसका भी डायपर चेंज कर दिया, वो खेल रहा है। तो इसका मसाला हो चुका है ऑलमोस्ट और यहाँ ज्यादा पत्ती डल गई है तो पानी डाला है। और आ जाओ मोहल्ले वालों को भी चाय पिलाएंगे, आ जाओ आ जाओ। मैगी रेडी हो चुकी है। नहीं बाहर कैसे खाएंगे? ये बैठे हैं, डालो इसमें चीनी। तो दोस्तों मैंने दही मिक्स कर दी है गैस बंद करके क्योंकि ये फट जाती, इसलिए गैस बंद कर दी। अभी इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। ये देखिए
तो मैगी रेडी हो चुकी है और ये भी और ये भी। तो मैगी बन गई, कैसी हो रही? बढ़िया, सिंपल मैगी, शानदार, सबसे बढ़िया। और इसका तामझाम अंदर लिया है। लेमन टी भी रेडी हो चुकी है। चलिए मैं तो यहीं नीचे बैठ के खाऊंगी, मैं तो बड़ा अच्छा लगता है खाना। और उसके ऊपर बना बैठ जाना। कैसी हो रही? सिंपल। तुम्हें पसंद नहीं है ना बिल्कुल भी ऐसी? मैं तो खा भी नहीं रही थी, तुमने जबरदस्ती वो करी। खा लो थोड़ी सी, मौसम हो रहा। क्या ही मौसम हो रहा, कोक भी नहीं लाई ना तुमने रात। क्यों, ऐसा क्या गम हो गया था? सुन तेरा ताँ बा। कार्तिका ने जो छिड़ बनाई है ना आज, ये भी मेरी मम्मी की फेवरेट थी और बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आ रहा, सेम। और कुदरती बात है मम्मी का बर्थडे भी आज, बिल्कुल सेम मम्मी के बर्थडे पे मम्मी की फेवरेट चीज़ हम खा रहे हैं। भाई इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्यों? तो दोस्तों डिनर कर लिया हमने, बढ़िया छिट बना रखी थी कार्तिका ने। और अभी मैं जा रहा हूँ स्टोर पे और कार्तिका और चैंप है घर पे ही। चैंप चल तेरे को स्टोर लेके चलोगे यार रात को? आज नॉट इंटरेस्टेड। कर दिया उसने। मिलते थोड़ी देर में दोस्तों। अभी मैं आ रहा था, स्कूटी से ही आ रहा था एक्चुअली। तो रास्ते में इतना बड़ा पत्थर मेरी स्कूटी के नीचे आया कि जो मेरे झटका लगा ना इस कंधे पे, भयंकर दर्द हो गया मेरे यार, जबरदस्त। बस मैं गिरते गिरते बचाऊँ आज, और इतना तगड़ा झटका लगा ना मेरे, यहाँ हो गया मेरे दर्द। घर जाके इस पर पहले स्प्रे लगाऊंगा, आराम से स्प्रे लगा के सोऊंगा, तब जाके इसमें आराम मिलेगा। बट बहुत भयंकर झटका लग गया यार, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मैं सिर्फ गिरते गिरते बचाऊँ बस ऑलमोस्ट। चलो तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ घर, और कार्तिका ने ग्रीन टी मंगाई थी, ग्रीन टी मैंने ले ली है, मैं भी जाके पीऊँगा घर पे। ग्रीन टी सही रहती है वैसे यार, मैंने चाय तो छोड़ दी बिल्कुल, पीनी ऑलमोस्ट नील कर दिया। पहले मैं ब्लैक टी पीता था खाली पेट, उससे मुझे एसिडिटी की, गैस्ट्रिक की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब बेटर है। तो ग्रीन टी में कार्तिका ने शुरुआत कराई मेरी ग्रीन टी की, तो मेरे को हैबिट हो गई है, सुबह शाम मैं भी पी लेता हूँ। तो अभी चलते हैं बस घर, हाथ में दर्द हो रहा है, मैं झटका लग गया तगड़ा। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे सीधा घर का। तो दोस्तों चैन के लिए ले लिया मैंने एक टॉय अपने स्टोर से ही, और चैन के लिए लिया तो आपको पता है चैन की मम्मी के लिए भी लेना था, तो चैन की मम्मी के लिए भी ले लिया मैंने एक सॉफ्ट टॉय। अंधेरा हो गया, अब मैं घर जाके दिखा दूँ मैंने क्या क्या लिया। पीछे वाला टायर होगा, आगे वाला पूरा उड़ गया था। इतनी तेज क्यों आ रहे थे तुम? अरे तेज का आ रहा था, नॉर्मल स्पीड थी। अरे ले यार टॉय लाया मैं तेरे लिए। अरे लाया लाया, ये देख ये देख ये देख ये देख, वो तो तेरी मम्मी का है, इसका टॉय देखियो। कुछ रिएक्शन नहीं दिया इसने। कैसा लगा बेटे? अरे ये देख चलता है पूरा हेलीकॉप्टर। कैसा लगा रिएक्शन? से तो बहुत ही बुरा लगा उसे। और ये लाया हूँ मैं कार्तिका के लिए। है क्या है? उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्मोकी की बहन। ओए कितना प्यारा है स्मोकी, कितना क्यूट। यार मैं उस दिन आयुष ब्लॉग में देख रही थी कि मिनी शो में वो ले रही थी मैं छोटी बिल्ली, और ये तो कितनी बड़ी बिल्ली है, तुम पहले नहीं ला सकते थे? ओ ये कितनी प्यारी है, मजा आ जाएगा इसमें। ये तो चैंप और मैं दोनों यूज कर सकते हैं,
नानी ओए चैन, इसकी पूंछ देखो कितनी प्यारी पूंछ है। तो दोस्तों चेंज वेंज कर लिया मैंने और कार्तिका सुला रही है चैम को और मैं बना लेता हूँ ग्रीन टी। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे आपको कल न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोज देखते रहो। आगे जाके बहुत सारी नई चीज़ें और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मार्क माई वर्ड्स। चलो बाय, गुड नाइट।